अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम बनाएंगे हमारे मुंबई का एक बहुत ही फेमस नाश्ता यानी कि अंडा कीमा। तो आइए इसकी रेसिपी देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने दो अंडे ले लिए हैं। इसमें हम एक चुटकी नमक ऐड करेंगे और इसे बहुत ही अच्छी तरीके से फेंट लेंगे। सो यहाँ पर हमने अंडे को बहुत ही अच्छी तरीके से फेंट लिया है। चिकन का कीमा भी यहाँ पर हमारा बिल्कुल रेडी है। अगर आपको इसकी रेसिपी देखनी है तो मेरे चैनल पे मैंने अपलोड की है, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं, आई बटन में भी आ जाएगी। अब हम एक नॉनस्टिक फ्राई पैन में 2 बड़े टेबलस्पून भर के ऑयल ऐड करेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म होगा हमने जो अंडा फेंट कर रखा था वो इसमें ऐड करेंगे और इस अंडे को हम स्क्रैम्बल कर लेंगे यानी कि इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल ऐसे जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया है। बस एक चम्मच की मदद से हमें इसे तोड़ लेना है। अंडे को हमने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है और ये बहुत ही अच्छी तरीके से पक चुका है। अब हम इसमें कीमा ऐड करेंगे जो कि हमने रेडी करके रखा था। कीमा और अंडे के पीसेस को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अगर आप तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अंडा कीमा बहुत ही अच्छी तरीके से पक चुका है। जैसे ही ये पक जाएगा बहुत सारा ऑयल इसमें से रिलीज हो जाएगा, लेकिन ठंडा होने के बाद ये बिल्कुल नॉर्मल लगेगा। सो गाइज यहाँ पर हमारा अंडा कीमा बिल्कुल रेडी है। नाश्ते के लिए ये एक बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है जो कि पाव के साथ सर्व की जाती है। अगर आपने कीमा बनाया है और वो बहुत सारा बच चुका है तो सुबह के नाश्ते के लिए उस बचे हुए कीमे से आप ये अंडे कीमे की रेसिपी ज़रूर बनाइएगा। स्पेशली हमारे मुंबई का ये एक बहुत ही फेमस नाश्ता है जो कि लंबे पाव से खाया जाता है और मेरा तो बहुत ही पर्सनल फेवरेट है। अगर ये रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।